हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं जौ का पोहा। जौ, जिसको हम बारले भी बोलते हैं, ये एक बहुत ही हेल्दी ग्रेन होता है और ये हमारे वेट लॉस में भी हमारी हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। जौ का पोहा बनाने के लिए मैंने 1 कप जौ लिए थे, जिसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। जौ बहुत अच्छे से भीग चुके हैं, तो सबसे पहले हम इसको बॉइल कर लेते हैं। एक पैन में हम ये भीगे हुए जौ ऐड करेंगे। इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए बॉइल होने देते हैं। फिर हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे जौ थोड़े से टाइट लग रहे हैं, तो 2-3 मिनट के लिए हम इसको और बॉइल होने के लिए रख देते हैं। जौ अब अच्छे से बॉइल हो चुके हैं, तो चलिए हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। तो 10 मिनट के लिए हम जौ को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि इसमें जो भी बचा हुआ पानी है वो भी निकल जाएगा। तक हम अपनी वेजिटेबल्स रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया है, जिसमें मैंने थोड़ी सी ब्रोकली, गाजर, प्याज, स्प्रिंग ऑनियन, बीन्स और मिक्स पेपर। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। स्पाइसेस में मैं यहाँ काली मिर्च पाउडर, नमक, पेपरिका पाउडर और सोया सॉस का यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा लेमन। तो चलिए अब हम इसको रेडी कर लेते हैं। पैन में हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें अपनी सारी चॉप्ड करी हुई वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। दो तीन मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको सॉटे कर लेते हैं। अब हम इसको कवर करके 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे हमारी वेजिटेबल्स और अच्छे से कुक हो जाएंगी। तो चलिए हम वेजिटेबल्स चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें सोक करा हुआ जौ ऐड करेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम अपनी स्वादानुसार ही लेंगे। 1/2 स्पून सोया सॉस, थोड़े से इसमें स्प्रिंग अनियन डालेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारा जौ का पोहा। ये बहुत हेल्दी है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। स्प्रिंग अनियन से इसको हम गार्निश करेंगे और फिर इनको सर्व करेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।